हाँ, विवेक आर्य इसमें महत्वपूर्ण गवाह था क्योंकि वो वंतरा रिसोर्स में कार्य करता था। गौरव भास्कर जो एक्यूज है, उसने उसे कोल्ड्रिंक में शराब मिलाकर वंतरा रिसोर्ट के कमरे में उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। विवेक आर्य घटना के समय तो वहाँ वंतरा रिसोर्ट में उपस्थित नहीं था, तो उसने अपनी बातें बताई, जो भी उसने सुना सुनाया था वो सारी बातें उसने यहाँ पर न्यायालय के समक्ष बताई, उसकी गवाही हुई। अंकिता हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा, अंकिता को न्याय मिलकर रहेगा। सच छिप नहीं सकता, छिपाने वाले भले कर लें कुछ, अब तो होगा बहुत कुछ। अंकिता के साथ हुआ था दुष्कर्म, साबित अगर हो गया क्या आरोपियों को मिलेगी फांसी। सच छिप नहीं सकता, अंकिता बोल रही है, वही अंकिता जो बेवक्त चली गई। वो जीना चाहती थी, मुस्कुराना चाहती है, अपनी हसरतों के साथ अपनी जिंदगी को उड़ान देना चाहती थी। बहुत सारे ढेर सारे सपने थे खुद के लिए, अपनों के लिए ढेर सारी ख्वाहिशें थी जो उसकी पूरी नहीं हुई, जिससे अचीव करना चाहती थी, लेकिन हैवानों की ना मिटने वाली भूख ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। उत्तराखंड की रहने वाली उसी अंकिता भंडारी का साथ सच ने दिया है। स्वर्ग से उम्मीद भरी निगाहों से न्याय के दरवाजे अंकिता के लिए खुलते दिख रहे हैं, क्योंकि देवभूमि का रहने वाला वो शख्स सच के साथ कोर्ट में आया। अंकिता हत्याकांड में वनंतरा रिसोर्ट के एक कर्मचारी ने अपनी गवाही में बड़ा खुलासा किया। गवाह ने एक बड़ा दावा किया, कहा अंकिता के साथ रिसोर्ट के 106 नंबर कमरे में मैनेजर सौरभ भास्कर ने कई बार दुष्कर्म किया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या ने भी अंकिता का यौन उत्पीड़न किया। गवाह विवेक आर्या के इस बयान से साफ हो गया कि अंकिता का रिसोर्ट में यौन शोषण किया जा रहा था। अब इसमें पीड़ित और आरोपी पक्ष के वकीलों का अपना अपना बयान है। विवेक आर्य की गवाही भी, और विवेक आर्य घटना के समय तो वहाँ वनंतरा रिसोर्ट में उपस्थित नहीं था, तो उसने अपनी बातें बताई, जो भी उसने सुना सुनाया था वो सारी बातें उसने यहाँ पर न्यायालय के समक्ष बताई, उसकी गवाही हुई। हाँ, विवेक आर्य इसमें महत्वपूर्ण गवाह था क्योंकि वो वनंतरा रिसोर्ट में कार्य करता था। उसकी अंकिता भंडारी से जो मोबाइल में बात हुई, उसने ये बताया कि सौरभ भास्कर जो एक्यूज़ है, उसने उसे कोल्ड्रिंक में शराब मिलाकर वंतरा रिसोर्ट के कमरे में उसके साथ रेप करने का प्रयास किया, और ये सब बातें उसने विवेक आर्य ने अपने 164 के बयान में भी की हैं। जब उससे जिरह करी गई तो उसने इस बात का पूरा समर्थन किया। आपको बता दें कि कोर्ट द्वार के एडीजी कोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में गवाह विवेक आर्य को पेश किया गया। एक अन्य गवाह को भी पेश होना था, लेकिन पारिवारिक कारणों से वो कोर्ट में पेश नहीं हो सका। गवाह विवेक आर्य वनंतरा रिसोर्ट में कर्मचारी है। विवेक ने गवाही दी कि 16 सितंबर को सौरभ भास्कर ने अंकिता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया और रिसोर्ट के 106 नंबर कमरे में अंकिता के साथ दुष्कर्म किया था। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ, जिसका अंकिता ने विरोध किया। यहां तक कि रिसोर्ट का संचालक पुलकित आर्य ने भी उसका यौन उत्पीड़न किया। अंकिता हत्याकांड रुड़की निवासी का नाम भी सामने आ रहा है, जिसने वीआईपी के लिए रिसोर्ट में कमरे बुक करवाए थे। हालांकि एसआईटी ने इसके नाम का कहीं भी जिक्र नहीं किया, जबकि धर्मेंद्र प्रधान को गवाह बनाया गया। वो 16 सितंबर को वीआईपी के साथ रिसोर्ट में आया था। रिसोर्ट में 18 सितंबर को भी अंकिता के साथ दुष्कर्म किया गया था। कहा जा रहा है सभी सबूतों को मिटाने के लिए ही रिसोर्ट के कमरे को तोड़ दिया गया। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी का कहना है कि अब तक के बयानों के आधार पर यह साफ है कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ। अब वो कह रहे हैं आरोपियों के परिजन आरोपियों के लिए कफन तैयार कर लें। अब तक जो भी बयान हुए उनके आधार पर इन तीनों को फांसी मिलेगी।